सो मेरे पास है थोड़ा सा ये सोक्ड चना, जिसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था विथ सम सॉल्ट, और अभी मैं इसको बॉईल कर लूँगी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू ऐड सॉल्ट व्हेन यू आर सोकिंग इट, इससे नमक अंदर तक जाता है। अब मैं इसमें डालूँगी सॉल्ट, हाफ टी स्पून जितना, और इसी में मैं डालूंगी वाटर। आई एम जस्ट आई बॉलिंग, चने से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। और अभी मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी 5 to 6 विसल, दैट्स इट। सो लेट्स गेट बैक आफ्टर 5 to 6 विसल्स। सो हियर इज सम पोटैटोज दैट आर चॉप्ड, अभी मैं इसको करूँगी माइक्रोवेव फॉर 5 to 7 मिनट्स, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। सो यहाँ पे अभी तेल गर्म हो चुका है, मैंने आलू भी रख दिया है माइक्रोवेव में फॉर द चना मसाला विच विल हैव आलू इन इट। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी जीरा डालूंगी, फिर थोड़ा सा चटक जाएगा उसी में मैं डाल दूंगी हमारे अनियन, तो अनियन को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। सो हमारा यहाँ पे अनियंस फ्राई हो रहा है, जब तक ये अनियन फ्राई होता है विल डू समथिंग एल्स। यहाँ पे है, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज टोमेटो का पेस्ट, इसमें मैं अब थोड़े से मसाले डाल दूँगी। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला, देन 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम, लाइक मेरा आलू भी हो गया है रेडी। सो दिस इज धनिया पाउडर, दिस इज कश्मीरी रेड चिली पाउडर, दिस इज जस्ट फॉर कलर, और ये है जीरा पाउडर। इसमें मैं 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा मैं डालूंगी मसाले। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। नाउ आई विल आल्सो ऐड अ सीक्रेट मसाला, सो इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून ऑफ मीट मसाला, दैट इज अ सीक्रेट मसाला दैट आई ऐड इन चना मसाला, सो दैट रियली एनहेंसेस द फ्लेवर, बट देन इफ यू डोंट वॉन्ट इट यू कैन टोटली स्किप इट, बट आई लाइक टू ऐड इट, सो आई एम टेलिंग यू। मसाले को हम मिक्स कर लेंगे एक अच्छा सा, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, और इसको भी हम साइड पे रखेंगे। हियर द पोटैटोज आर आउट, ओवन से निकाल लिया है मैंने इसको, 5 मिनट तक ही कुक किया था इन द माइक्रोवेव। ये सॉफ्ट हो चुका है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुआ है, बट ये ठीक है मेरे लिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, यानी डोंट कुक इट इन द करी, तो फिर आप और भी सॉफ्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ क्विक ट्रिक, आई मीन बहुतों को पता है, बट आई एम श्योर जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। तो मैं इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी थोड़े से, ताकि इसके थोड़े थोड़े चंक भी मिले। अनियंस ब्राउन हो रहे हैं, थोड़ी सी और ब्राउन करूंगी मैं इसको। तो हमारा अनियंस भी इधर ब्राउन हो चुका है बहुत अच्छे से। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी एडिंग जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, दिस इज
1 teaspoon of ginger paste and 1 teaspoon of garlic paste. Mix it और अच्छे से मिक्स करेंगे. तो कुक दिस फॉर अबाउट 2 मिनट्स ओवर मीडियम टू लो हीट. रॉ स्मेल इज गॉन. अभी मैं इसमें डाल दूंगी हमारे मसाले. सो बहुत ज़्यादा मसाला. चना भी बॉईल हो चुका है. मैं इसको निकाल लूंगी. डोंट थ्रो अवे द वाटर, दैट्स इम्पोर्टेंट. इसको मैंने रख दिया है. अभी विल गेट बैक वंस द ग्रेवी इज मसाला इज वेल. चना इज ऑलरेडी कुक्ड, तो इसमें सारा हमें पेशेंस और सारी मेहनत सिर्फ भूनने में करनी है मसालों को. That's it. So we'll add a little bit of water. So इसको इसमें मैं अभी आलू भी डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे. अभी इसमें हल्का सा मैं पानी डालूंगी फिर से. इसको अभी बस लो हीट पे मुझे 2 मिनट तक कुक करना है कवर करके, ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी भून जाए. सो विल चेक. आलू सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छे से. एडिंग माय चना का पानी थोड़ा सा कर लो. गैस हाई करेंगे. एंड फाइनली विल ऐड द चना. जाएगा पानी बहुत सारा नहीं, लाइक हाफ अ कप. थोड़े से आलू जो थे उसको थोड़ा सा मैं तोड़ तोड़ के दूंगी. थोड़ा सा और पानी, क्योंकि मैं इसको भी कुक भी करूंगी. मैंने थोड़ा सा और पानी डाल दिया है. एंड फाइनली मैं इसमें डालूंगी थोड़े से चिलीज. एंड विल कवर दिस एंड कुक इट फॉर अनदर 20 मिनट्स ओवर लो हीट. सो आई एम बैक. अभी मैं चेक कर लूंगी इफ इट्स हाउ इट्स डूइंग बेसिकली. This looks done to me. So this is all done. अभी मैं इसको इस पर थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूंगी. थोड़ा सा नहीं ये सारा, थोड़ा सा ही. Turn off the heat. Good mix. And your chana masala is ready to be served. You can serve this with some hot steamed rice or chapati. See how amazing this is. आप सिर्फ सर्व करने से पहले इसके ऊपर स्लाइस्ड अनियंस डाल दें एंड दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट साइड डिश फॉर योर डिनर.
फिर मैं थोड़े से इसके ऊपर यू नो गार्निश के लिए थोड़े से अनियंस भी डाल देंगे. दिस रियली गिव्स अ गुड क्रंच. मेक श्योर करें कि आप हीट ऑफ करने के बाद ही इसमें अनियंस डालें, अदरवाइज अनियन सॉफ्ट हो जाएंगे एंड यू वोंट लाइक इट. सो गाइज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. डू गिव दिस अ ट्राई एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.